तो दोस्तों, मैं मिलाना चाहता हूँ मनीष जी से। और मनीष जी का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है, और समथिंग इनको जो कोर्स सीखने में 45 दिन से 2 महीने का समय लगा, और इन्होंने जब कोर्स ज्वाइन किया था आज से मतलब 3 महीना हो गया, 3 महीना पहले इन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया था। लेकिन एक महीना सीखने के बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब फीवर आने लगा था। और जैसे खाने पीने का नहीं, कहीं जाते हैं तो कोई सूट नहीं करता, कोई दिक्कत होने लगती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वैसे। गलत खान पानी करनी। हाँ, गलत खाने पीने की वजह से इनको दिक्कत हो गया था। तो फिर इन घर चले गए, और 1-1.5 महीने बाद रेस्ट करने के बाद फिर वापस आए, और इन्होंने मेरे पास पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया है। और सबसे पहली बात मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ कि ये पूरा दिन क्लास करते थे, पूरा दिन जैसे आप लोगों के भी साथ में रहे, इससे इनसे पहले के बैच थे वो लोग भी सीख के जा चुके हैं, लेकिन इनका फाइनली अब पूरा बैच कंप्लीट हुआ है। इन्होंने सीखने के बाद भी बोला कि सर मैं 5-7 दिन मैं और रुक करके जाऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात मैं इनकी ये कहना चाहता हूँ कि इनको जो इन्होंने सीखा है, सीखने के साथ साथ मेहनत करी है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। इसलिए काबिले तारीफ़ है क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में पहली बार तो क्या है कि कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था, आज जी तक कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था। इन्होंने कंप्यूटर में समझ लीजिए माउस का जो ऐसे चलाया जाता था उसको भी नहीं चलाया था। जी सर जी पहली बार इन्होंने सर ने यहाँ पर कंप्यूटर चलाया। यहाँ पर कंप्यूटर चलाने के साथ साथ कंप्यूटर चलाने की बात इन्होंने जब इन्होंने सीखा, उसको समझा, फिर इन्होंने अपना खुद कंप्यूटर परचेस किया, अपना खुद का लैपटॉप लिया। लैपटॉप लेने के बाद इन्होंने डोंगल भी लिया, बोर्नो भी लिया, और भी जो सारे टूल्स आते हैं वो भी सारे टूल्स कर लिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी साल, 5 साल, 6-7 साल बाहर रह करके नौकरी किया हुआ है, जी सभी तरह का काम किया हुआ है, ऐसा कोई काम नहीं लाइफ में ना किया हो। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर उन्होंने सोचा कि मैं मोबाइल फ़ोन का रिपेयरिंग का काम करूंगा, मैं अपनी दुकान खोलूंगा। तो अपनी दुकान खोलने के लिए इन्होंने सारा जतन किया, सारे जतन जुटाए, लैपटॉप भी खरीदा, टूल भी खरीदे, अब इनको फाइनली अपना दुकान ही खोलना है। अच्छा, मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि कहते नहीं कि जब कोई भी चीज़ के पीछे लग जाओ तो वो चीज़ आपको जरूर मिल करके रहती है। इनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, आज ये समझ लीजिए सारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, या कोई भी मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग करना है, उस मोबाइल फ़ोन का लॉक खोलना है। तो जितने भी सारे आप लोगों ने, सब लोगों ने सीखा है, जी लेकिन आप लोगों से सीखने के बाद भी मैं इनसे कहता हूँ इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बेहतर सीखा है। क्यों सीखा है? पहली बात तो समय दिया, एक तो आता नहीं था। कहते नहीं कोई भी चीज़ जब आती नहीं है और आप जब उस चीज़ के पीछे लग जाते हो तो बिल्कुल लगता है कि आप उसी में घुस जाते हो। ये कंप्यूटर में कुछ नहीं जानते लेकिन इतना जानते कि मोबाइल फोन में लॉक कहाँ से तो खुलेगा, उसको फट से तोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर में अगर सीखा है तो उतना ही सीखा है। जी और उसको ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आए, उसको ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड करना है, उसमें कौन सी फाइल लोड करनी है, टूल से कैसे खोला जाएगा, डोंगल से कैसे खोला जाएगा, एक मोबाइल फोन को इन्होंने दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिकल किया है। आप लोग जब समझ लीजिए क्लास करके चले जाते थे 6 बजे के बाद, घंटे 2 घंटे और भी एक्स्ट्रा समय देते थे। घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा समय देने का मतलब होता है वो कहते थे कि सर हमको ये चीज़ नहीं आती। ये चीज़ आने का मतलब होता है, देखो हमारे लाइफ में दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको कभी ज़िंदगी में सीखने नहीं देती। एक तो पहली चीज़ होती है हमारी खुद की सोच। अगर हमारी सोच ऐसी है कि हम कोई काम को सीख लिया उसके बाद हमको समझ में नहीं आया और हम सोचते हैं चलो रहने दो, तो फिर समझ लीजिए वो बेहतर रिजल्ट कभी नहीं मिलता। अगर आपने ये सोच लिया कि हमको नहीं आया तो उसके लिए कुछ भी हमको करना पड़े, हम सब कुछ करेंगे, तो समझ लीजिए दुनिया जान में कोई भी आदमी नहीं जो आपको सीखने से रोक सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना सीख जाओ। तो इन्होंने बहुत अच्छा सीखा हुआ है सारा रिपेयरिंग का। सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे खुद डर लगता था कि सर को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मुझे लगता कि सॉफ्टवेयर सिखाने में कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब इन्होंने अपना लैपटॉप परचेस किया और लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छी है, और उसके माध्यम से जब इन्होंने मोबाइल फ़ोन ठीक करे, प्रैक्टिकल किया, 10-10, 15-15 बार 20 किया, तो इनको खुद एहसास होने लगा कि नहीं सर मैं इस काम को कर सकता हूँ। और इस लाइन में बिल्कुल फ़िलहाल जीरो थे। पहले इन्होंने कहीं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान में थोड़ा ट्राई किया था लेकिन वहाँ पर वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। फिर वीडियो के माध्यम से इनको जानकारी मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, तब इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया। और जब ये मेरे पास ज्वाइन किया था तब भी इन्होंने बोला था कि सर मैं दो चीज़ों में वीक हूँ, तो पढ़ने लिखने में वीक हूँ और कंप्यूटर में भी वीक हूँ, तो क्या मैं सीख सकता हूँ? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम आओ आराम से सीख सकते हो, अगर आप मेहनत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने मेहनत किया, ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया, कोई जो भी प्रैक्टिकल के लिए मैं काम देता था या कोई भी काम कहता था। दूसरी बात क्या, इनको सिखाने में कोई प्रॉब्लम आती थी मुझे भी गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मैं एक चीज़ को जब 10 बार बताता था तो
तो मैं इनको चिल्ला भी देता था, लेकिन फिलहाल आज तक इन्होंने किसी बात के लिए हमको बुरा नहीं माना है, ना इन्होंने किसी बात के लिए ऐसा सोचा है। ये मैं खुद अपने लिए भी कहता हूँ कि इनको कभी मैं ड्राइवर बताते समय कई बार ऐसा भी मैंने सोचा, तुमको दो बार बता चुका, दस बार बता चुका, तुम अभी भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने इनको बताया है। और उसके बाद भी जब ये नहीं खुद हार नहीं मानते तो मुझे भी अंदर से ऐसा महसूस होता था कि जब सामने वाला अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना दूर सीखने के लिए आए हुए हैं। तो इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने सीखा है तो वो इनके लिए बड़ी काबिले तारीफ है, और एक इनके लिए क्लैपिंग बनती है कि ये आज सक्सेसफुल सीख करके जा रहे हैं। और हम लोग देखो, सबसे पहली बात क्या होती है कि हम सब लोग एक साथ रहते हैं, पूरा दिन रहते हैं, रात में भी रहते हैं, सब लोग मिल करके सीखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब 40-45 दिन कोई साथ रहता है तो एक आपस में अपना ही लगाव हो जाता है। कोई घंटे दो घंटे के लिए आए तो अलग बात रहती है, जब काफ़ी समय के लिए रहता है, सोना बैठना खाना पीना पूरा दिन, तो एक अलग ही लगाव हो जाता है। और हम लोग देखो ये जो सीख रहे हैं तो कोई ऐसा टाइम पास के लिए नहीं सीखा है, हमने इसलिए सीखा है ताकि हमको सीखने के बाद इस पर डिपेंड होना जा करके, इस पर काम करना जा करके। तो इसलिए हम लोग जो सीखने के लिए कभी एक दूसरे को ऐसा नहीं सोचते कि ये नहीं सीख करके जाएगा या कम सीख करके जाएगा या इसको कोई प्रॉब्लम रहनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से, मेरी तरफ से ऑब्वियसली यही हर एक बंदे के लिए कोशिश रहती है कि ये पर्सन हमारे से बहुत अच्छा से अच्छा सीख करके जाए ताकि अच्छी तरीके से काम करे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी इनसे कहना चाहता हूँ, अगर मेरे सिखाने के बाद भी अगर तुमको कभी कमी रह गई है या कभी कोई प्रॉब्लम रह गई है या कोई दिक्कत रह गई है तो भी आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मेरे पास कभी भी लाइफ में 6 महीने साल 2 साल बाद भी आ करके उस चीज़ को सीख सकते हैं। उसका कोई पैसा, कोई चार्जेस, कोई एक्सपेंस कभी लाइफ में आपको कभी नहीं लगेगा और आप अच्छे तरीके से सीख करके जा सकते हैं। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा रिव्यू दीजिए और आप बताइए सर कैसे आपने कोर्स कम्प्लीट किया और सारी चीज़ें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ जो कि बिहार स्टेट में है। मैं ईके इंस्टीट्यूट मोबाइल रिपेयरिंग का काम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं इससे पहले कोई कंपनी में काम किया करता था सर, तमिलनाडु में काम करते थे और एक दिन का दिहाड़ी मेरा 300 से 400 रुपया था और महीने का 10 से 12 हज़ार रुपया में मैंने किसी तरह से मेरा गुजारा हो रहा था। महीना साल बीतता गया मेरा, मैंने इसी से मैंने 10-12 हज़ार का गुजारा हो रहा था। मैं एक दिन ये टीचर चैनल का नाम सर रविंद्र सर का यूट्यूब पर मैं एक दिन वीडियो देखा और मैं सर से बात किया तो मैं सर के बताया कि सर थोड़ा इंग्लिश मेरा कमजोर है, सर हिंदी तो पढ़ लेता हूँ थोड़ा इंग्लिश कमजोर है। तो सर समझाएं कि आओ तुम, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे यहाँ सब बच्चा का एक समान एक लेवल मिलता है। तो सर वाकई में मैं जितना सोच कर आया था घर से उससे 1000 गुना हमको बेहतर मिला, मैंने जितना मैं सोचा उससे ज्यादा मिला। सर हमको रजिस्टर कैपेसिटर कॉइल डायोड ट्रांजिस्टर क्रिस्टर और टीसी डिस्प्ले चार्जिंग जैक माइक रिंगर और मेमोरी सॉकेट चार्जिंग सॉकेट सब हमको मैंने सर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने हमको अलग से सर कॉपी पर सर चेकिंग का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते थे। पैरर में कौन सा कंप्लेंट लगा हुआ है, सीरीज में कौन सा कंप्लेंट लगा हुआ है, सर हमको स्टेप बाय स्टेप सिखाते थे। आज हम मैंने जो भी मैंने है आज हमारे जो भी मैंने हम सर के अतिथि से मैंने इसके पहले हमारे पास मैंने 0 लेवल था, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज हमारे पास मैंने इतना मैंने अंदर हमको झुमना हो गया है सर की वजह से कि मैंने हम जाकर दुकान खोल के सर आज हम अपना दिहाड़ी सर डेली का 400-500 रुपया ज्यादा कमा सकते हैं सर, लेकिन हमको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा सर, तमिलनाडु दिल्ली हमको जाना नहीं पड़ेगा सर, किसी का हम नौकर बने सचा सर खुद का मालिक बने सर जी। बहुत अच्छी बात है कि किसी का नौकर बनने से अच्छा अपने 2 पैसे का मालिक खुद बन जाओ, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। और सर सबसे पहली बात क्या है, सर ने जैसे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया है, कहते नहीं है कि जब आदमी कोई भी स्टार्टअप करता है बहुत कम से इतना कम से स्टार्टअप करता है और बाहर आदमी जब अपने घर को छोड़ करके बाहर नौकरी करता है और उसमें से उसको लगता है कि जब 5 साल 3 साल 4 साल करने पर उसको लगता है इतना पैसा मैं अपने लोकल घर पे भी रह के कमा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे कारण क्यों नहीं कमा सकता, क्योंकि उसके हाथ में कोई हुनर नहीं होता। उन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई तो किया, तरीका भी सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन वो जा करके किसी के दूसरे पे डिपेंड हो गए। दूसरे के डिपेंड होने का मतलब होता है जब हमको काम बताएगा तब हम काम करेंगे, हम एक रोबोट मशीन की तरह हो जाते हैं, सिर्फ हम इतना दिमाग लगाते हैं खाना पीना धोना, इसके अलावा कोई हमारे दिमाग में बुद्धि नहीं है। हम ये नहीं सोचना चाहते कि हमको लाइफ में आगे करना है
और लाइफ में आगे करने का मतलब होता है कि आपको जिंदगी में किसी दूसरे का सहारा छोड़ना ही पड़ेगा। अगर जिस बंदे ने किसी दूसरे का सहारा छोड़ दिया, अपने ऊपर डिपेंड हो गया, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ उसको कभी कोई जिंदगी में फेल करने वाला नहीं है। हमेशा जिंदगी में मालिक वही बना है जो खुद पे डिपेंड हुआ है, और जब तक खुद पे डिपेंड नहीं हुआ तब तक हमेशा जिंदगी में गुलाम ही बना रहा है। वो चाहे दूसरे का गुलाम हो, चाहे नौकरी करके गुलाम हो, चाहे कहीं रह करके गुलाम। और मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकली शिक्षा एक ऐसी चीज होती है, हुनर एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को जिंदगी में कहीं पर झुकने नहीं देती। वो हमेशा आदमी को बढ़ने के ऊपर प्रेरित करती है, आदमी बढ़ता है। क्योंकि हम लोग जो काम करने का जो पैसा मांगते हैं वो अपने क्वालिटी का पैसा मांगते हैं कि भाई ये फोन ठीक हो जाएगा, इसका 300 रुपए लगेगा। अब मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे मोबाइल फोन से बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो मोबाइल फोन से ना जुड़ी हो। यहाँ तक कि कचरा बेचने और कचरा बनाने वाले तक भी मोबाइल फोन के लाइन में आ गए। हर एक चीज, ऐसा कोई चीज नहीं जो मोबाइल फोन से ना जुड़ा हो। अगर मैं कहता हूँ जिस आदमी का एड्रेस हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, अगर वो मोबाइल फोन नंबर नहीं है तो मुझे लगता है दुनिया में गुमशुदा है, वो दुनिया में है ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। तो सर आप अपना एक्सपीरियंस और भी बताइए ताकि लोगों को और भी पता चले। सर मैं थोड़ा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर मैं कुछ मैंने जो लोग सर मैंने जो फंसे हुए भावसागर में सर वो चाहते हैं कि मैंने उनको पता नहीं कि हमको करना क्या। जो लोग मैंने भावसागर में फंसे हैं उनको ये पता नहीं है कि हमें क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, उनको मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ। रविंदर सर का यूट्यूब पर यूट्यूब सर्च कीजिएगा, रविंदर सर के नाम से यूट्यूब चैनल है, सर से संपर्क कीजिए। अगर आपको आप चाहते हैं कि मैंने हम रोजमर्रा की जिंदगी में मैंने 300-400 डेली कमा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आप परिवार से दूर रहकर कमा रहे हैं, घर परिवार समाज से दूर जाकर आप परदेश जा रहे हैं, दूर दूर 2-4 दिन जाने में लगता है, 6 महीना साल भर के बाद आते हैं अपना घर पर, तो उससे अच्छा है कुछ हुनर सीख लीजिए और अपना घर समाज परिवार के साथ में रहकर कुछ अच्छा अपना लोकल में ही काम कीजिए। जी सही बात है कि आदमी अगर कुछ पैसों के लिए आदमी बाहर नौकरी करने जाता है। मैं आपको बताता हूँ सर, अभी मेरे पास एक अभी जब मैं आप लोगों को क्लास कर रहा था मेरे पास एक फोन आया था, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। रहने वाले कहाँ से? गोरखपुर से। कह रहे हैं मेरे को सर 18 साल हो गया नौकरी करते करते, 18 साल नौकरी करते करते मैं सर आपके 5-6 महीने से मैं सिर्फ आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, उसके माध्यम से मैं टूल्स भी खरीद लाया, आयरन भी खरीद लाया, मशीन भी सब चीज़ ले आया, लेकिन मैं कुछ मोबाइल फ़ोन रिपेयर भी किया उससे। जहाँ पर मैं नौकरी करने जाता था वहाँ तो हमको 15-16 हज़ार रुपये मिलता ही है, लेकिन मैं आपकी वीडियो के माध्यम से 1-2 मोबाइल फ़ोन भी मुझे मिलता है तो उसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। क्योंकि मैं किसी दुकान पर भी सीखने जाता, दुकान पर सिर्फ देखता रहता था, उनको आना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सर कुछ टाइम के बाद आऊँगा, मुझे 45 साल मेरा 45 एज हो गया है, क्या मैं 45 की एज में काम सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता? इसीलिए नहीं मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब अपने गोरखपुर जाना चाहता हूँ। रहने वाले गोरखपुर से हैं, रह रहे हैं चंडीगढ़, उनका बहुत टाइम बीत गया, लेकिन अब कह रहे हैं कि सर हमको ऐसा एहसास होता है कि आज हमको 16-18 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। इससे ज़्यादा अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो फिर हमको कंपनी भेज देगी, तुम कोई काम करो, तुम दूसरा काम देख लो। तो इसलिए क्या है कि उन्होंने सोचा कि सर कहीं ना कहीं अगर मेरे हाथ में हुनर होता तो आज मुझे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होती, और जिस आदमी के हाथ में हुनर होता है तो 400-500 रुपये सर आज की लाइफ में कहीं भी कमा लेता है, बस उसको अच्छा ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, अच्छा सीखने की जरूरत है। वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास किसी भी तरह का स्टूडेंट्स है अगर वो आकर के सीखना चाहे तो आकर के सीख सकता है। यहाँ पर पूरे दुनिया जहान में सबसे ज़्यादा कम से कम आपको ट्यूशन फीस मिलता है और आपको पूरा कंप्लीट सीखने को मिलता है, यूजर फ्रेंडली आपको बिहेवियर मिलता है, आप आएंगे तो पूरा ए से लेकर जेड तक सीख करके जाएंगे। सीखने का मैंने 45 दिन का ड्यूरेशन बताया, 45 दिन में आप सीख जाएंगे। अगर इसके बाद भी थोड़ा बहुत समय लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पूरा कंप्लीटली ही सीख करके जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कभी सीखने के बाद कभी फेल ना हो, उसको कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए, वो अच्छी तरीके से काम करे। अगर मेरे सिखाने के बाद भी अगर उसको 1-2 साल 10 साल बाद भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है और मैं दुनिया जानने का जिंदा हूँ तो आप मेरे पास आ सकते हैं और उस चीज़ को सीख करके अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या आता है, हम लोग जब मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लाइन में काम करते हैं तो हम आपको कुछ गाइडेंस भी देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे सर 17-18 साल काम करते करते हो गया है, मैंने बहुत सारी चीज़ों का अपने लाइफ में अनुभव भी लिया है और बहुत सारी चीज़ों को मैंने आप ही लोगों से सीखा हुआ है। कैसे मैंने आप लोगों को सीखा हुआ है, क्योंकि सर इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं
जो लोग कोई नौकरी कर रहे थे, किसी ने जॉब छोड़ा, कुछ लोग ऐसे हैं कहते नहीं कि आदमी एक्सपीरियंस कहीं खरीदने नहीं जाता। एक्सपीरियंस आदमी जब 10 लोगों से जुड़ता है, 100 लोगों से जुड़ता है, तब वो चीज़ कहीं ना कहीं क्या होती है, हासिल होती है। ऐसा कौन आदमी नहीं है जो ISPCS ना बनना चाहता हो, ऐसा कौन आदमी नहीं है जो पैसे वाला ना बनना चाहता हो, हर एक आदमी चाहता है। लेकिन हर एक आदमी एक काम नहीं करना चाहता, वो अपने अंदर एक स्किल नहीं डेवलपमेंट करना चाहता। अगर जो आदमी अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर लेता है तो उसी स्किल से ही उस आदमी की क्या होती है, पहचान होती है। एक कचड़ा बनाने खरीदने वाला भी आदमी पहचाना जाता है, लेकिन जब पहचाना जाता है, जब वो पहचान जाए कि भाई ये कचड़ा वाला है, अगर तुमको दुनिया जान में ये आदमी ने पहचान लिया कि ये मोबाइल फोन के भैया है, मोबाइल फोन का काम बहुत अच्छा करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उनको ढूंढने की जरूरत नहीं, लोग आपके पास खुद आएंगे, क्योंकि हुनर आपके पास है। हुनर किसी की जिंदगी में मोहताज नहीं रहने का। हमने सजी बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस है, बहुत सारे अपने टीचर गुरु उस्ताद या बहुत ऐसे सीनियर से सीखा हुआ है, या बहुत सारे अध्यात्म के माध्यम से भी मैंने देखा हुआ है, समझा हुआ है कि एक शिक्षा भी एक समय ऐसी होती है जब फेल हो जाती है, लेकिन आदमी को हुनर आदमी होता है वो कभी जिंदगी में फेल नहीं होता, क्योंकि हुनर आदमी अपाहिज से अपाहिज आदमी भी पैसा कमाता है, अपाहिज से अपाहिज आदमी कभी जिंदगी में टूटता नहीं है। बात पैसा कमाना मायने नहीं रखती कि मेरे पास लाखों रुपए हैं, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, सबसे बड़ी मायने रखती है कि मैं बेरोजगार नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, सेल्फ डिपेंड हो सकता हूं। अगर एक शिक्षा भी एक जगह पर फेल होती है, क्योंकि शिक्षा अगर सही समय पर साकार हो जाती है तो रंग लाती है, लेकिन हुनर एक ऐसा है, आज भी है, कल भी है, और जब तक तुम जिंदगी में दुनिया धरती से जाओगे नहीं तब तक तुम्हारे पास रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ है और वो आपको समाज में प्रेरित करेगा, और समाज में वही आदमी सक्सेसफुल होता है जो समाज से जुड़कर काम करता है। आप लोगों के लिए मैं सलाह देना चाहता हूँ या गाइडेंस देना चाहता हूँ कि जब भी आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करेंगे तो आपसे जो भी कस्टमर जुड़ेंगे उनको बिल्कुल जेन्युइनली तरीके से काम करेंगे, उनको एक उचित रेट में काम करेंगे। किसी का मोबाइल फोन कभी खराब हो जाएगा तो उसको गलत गाइडेंस नहीं देंगे, उससे कोई सामान नहीं निकालेंगे। मोबाइल फोन खराब होगा आप उसका उसका सर्विस चार्ज बिल्कुल सही से बताएंगे। अगर नई मोबाइल फोन ठीक होता या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तब भी आप उसको बताएंगे। मतलब ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको काम आता है, आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे साफ साफ उस बात के लिए बता सकते हैं, और कस्टमर भी जब आप किसी चीज को साफ बात बताएंगे तो कस्टमर भी आपको पैसा देगा और आपको पैसा देने में कभी हिचकिचाएगा नहीं। क्यों नहीं हिचकिचाएगा? क्योंकि आपने साफ बताया, आपने बोला कि इस मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर डलेगा, 150 रुपये लगेगा। अब आपने ये वो बोलता है कि 50 रुपये में डल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप 50 में जहाँ डल जाता है तहाँ डलवा लीजिए, लेकिन इसमें 50 में डलेगा, इसमें 150 में डलेगा। वो आपको 150 रुपये दे करके जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि भैया इसमें ये भी खराब, ये सब मिला के 150 लगेगा, इसमें इफ बट कहानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, कस्टमर परेशान होता है। दूसरी बात क्या, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक कराने आता है, अगर आप उस मोबाइल फोन को रिपेयर करके देते हो और रिपेयर करने के देने के बाद अगर 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस चीज को आपका देखने का फर्ज बनता है, आप उसको देखो। अगर उस चीज को उसने तोड़ दिया है तो उसकी प्रॉब्लम है, अगर उसने तोड़ा नहीं है, हो सकता है कि आपने कोई चीज को पैक करके बांध करके दे दिया हो, हो सकता है वो कोई लूज रह गया हो, कोई स्क्रू ढीला रह गया हो जिस कारण से स्पीकर ना बज रहा हो, आवाज ना आ जा रही हो, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिस्प्ले लूज हो रही हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो फिटिंग का कोई भी इशू आता है तो आप उसको प्रॉब्लम को लें, उसको बोलें भैया ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको ठीक करके दोबारा दें, ठीक है? क्योंकि अगर आप उससे बहस करेंगे नहीं ये होने, ये दोबारा खर्चा लेगा, ये है वो है, तो ये आपका गलत तरीका है। अगर आप गलत तरीका करेंगे तो आपसे कस्टमर चला जाएगा। दूसरी बात क्या है, जब आप सर्विस लाइन करते हैं तो सर्विस लाइन में एक सबसे बहुत बड़ी बात होती है, वो होता है विश्वास। क्या होता है? आपके पास कोई आदमी 10,000-20,000 का मोबाइल फोन, 50,000 का मोबाइल फोन ऐसे ही छोड़ जाता है, वरना दुकान में जब नया मोबाइल फोन खरीदता है 50,000 खरीदता है, डब्बा अगर खरीद लेता है तो उसे एक रैपर अगर रह जाता है तो उसको भी उठा के डाल लेता है। लेकिन आप रिपेयरिंग करने वाले हो, आपके पास 50,000 का मोबाइल फोन छोड़ जाता है, इसलिए छोड़ जाता है कि भैया हमारा मोबाइल फोन ठीक कर देंगे और ठीक करने के बाद कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, आपको ट्रस्ट के साथ में काम करना है, क्योंकि ट्रस्ट के साथ में काम करोगे तो हमेशा जीवन भर आप काम करोगे।
क्योंकि देखो भाई पैसा आए चाहे ना आए, लेकिन जिंदगी में ये बात ध्यान रखो, सम्मान नहीं जाना चाहिए। सम्मान के साथ में काम करना है, इज्जत के साथ में काम करना है, ताकि जब आप काम करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद जब आप काम करोगे तो काम एक ऐसा चीज होता है, पैसे के पीछे कभी जिंदगी में काम नहीं भागता, और काम के पीछे में पैसा भागता है, ये 100% सही है। तो इसलिए क्या है कि आज हमारे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट है, जब मैं 17 साल से सिखा रहा हूँ, आज बच्चे लोग सीख के गए हैं, आज अपनी दुकान चला रहे, अपना काम कर रहे हैं। जो ऐसे लोग थे जो हर जगह से थके या परेशान थे या किसी चीज में प्रॉब्लम थी, आदमी कहते नहीं, आदमी काम करते करते अपने लाइफ से भी परेशान हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि अपने लाइफ से ये परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने इतना सारा सब कुछ किया, इतना सारा सब कुछ मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद फिर हमको लगता है कि वो चीज़ नहीं हासिल हो पाई। लेकिन कोई दोस्त कोई बात नहीं, जब कोई चीज़ हासिल नहीं हो पाती तो ज़िंदगी में आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, आदमी को ये सोचना चाहिए कि आपको उससे बड़ी भी चीज़ आपका इंतजार कर रही है। और उसका सबसे बड़ा फेलियर का एग्जाम्पल मैं भी, हमने भी बहुत सारी तैयारी करी, लेकिन जब आदमी कोई इसी चीज़ की तैयारी करता रहता है तो जाहिर सी बात होता है कि अगर आदमी जब कई बार फेल होता है तो उसका रिजल्ट उससे भी अच्छा होता है। अब्दुल कलाम भी कई बार फेल हुए थे, आज मिसाइल उन्होंने उड़ाई, और जो लोग हंसते रहे तो कभी उड़ा नहीं पाए, आज उनके नाम के ताली चढ़ाते हैं और सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि अब्दुल कलाम बनने के लिए आदमी को ज़िंदगी में 500 बार फेल होना पड़ता है। जो आदमी जितनी बार फेल होता है तो समझ लीजिए सफलता उसकी उतनी तगड़ी है। आप फेलियर का कभी अपने ज़िंदगी में अपने सोच मत रखिए, परेशान मत होइए, निराश मत होइए, बस आप आगे बढ़ते रहिए, और उसी दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ती है, और जिस चीज़ में आपने पैर रखा है उस चीज़ से डगमगाइए मत, जिस काम को कर रहे हैं उसके बारे में ही करिए, ये नहीं कि आप 10 बातें अपने दिमाग में ही सोचने लगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमको ज़िंदगी में कभी मास्टर की उपाधि नहीं मिल पाती। मास्टर की उपाधि आदमी को ज़िंदगी में उसी की मिलती है जो आदमी एक ही लाइन पर चलता रहता है ना, जो एक ही लाइन पे चलता रहता है उसी को उपाधि मिलती है। तो आप लोग जब इस लाइन में मास्टर बनना चाहते हो, काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, बेहतर काम करना चाहते हो, तो उसके लिए हमको 10 चीज़ों में माइंड डाइवर्ट नहीं करता, हमारा माइंड बिल्कुल सेट होना चाहिए और हमको अच्छी तरीके से काम करता। अब मुझे नहीं लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर से कोई बड़ा सेक्टर है, दुनिया जहान में जितना इसमें बूम है इतना किसी भी चीज़ में बूम नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे एरोप्लेन उड़ाने वाला हो, हर एक आदमी के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन का एक और खासियत होता है, वो अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार बिकता है, लेकिन वो रिपेयर 5 बार होता है। आदमी एक ही बार पैदा होता है, एक ही बार मरता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो अस्पताल 10 बार जाता है, 1000 बार जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसमें रिस्क उठाता है कि भाई वो हर हालत में ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि उसने 20,000 की चीज़ खरीदी है, 20,000 की चीज़ को उसने ठीक कराएगा। आज सर के पास मोबाइल फ़ोन था, एक मोबाइल फ़ोन लाए थे काम्बो डालने के लिए, उसको कोई 1100 रुपये ठीक करने का बता रहा था। डालने वाले थे, जानने वाले थे, उन्होंने 1251 रेट बताया। आज उन्होंने उसी मोबाइल फ़ोन को 850 रुपये में मोबाइल फ़ोन में 800 में मोबाइल फ़ोन को ठीक किया। कैसे ठीक किया? क्योंकि अब कोई चीज़ पे जब आप अंदर घुसे हो तभी आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ गया। तो मेरे पास मनीष जी हैं, इनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, और ये सीखने के बाद अब अपने घर जाएंगे, अपना काम करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं, और आप लोगों के लिए भी विशेष हैं, ताकि आप लोग भी सीख रहे हैं, इसी तरीके से सीख करके आप अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक अपना काम कर सकें। ठीक है, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक जवाब बोलना चाहता हूँ सर। जो लोग मैंने सोच रहे हैं कि मैंने कानपुर कहाँ पर है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, एक कानपुर सेंट्रल एक जंक्शन, बहुत बड़ा जंक्शन है, सर से बात कीजिए और कानपुर सेंट्रल जंक्शन पर आइए, आपको सर वहाँ से रिसीव कर लेंगे। और मैंने कहा कि मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने कैसे जाएं, तो सर से एक बार बात कीजिए, संपर्क कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं है, सर आपको रिसीव कर लेंगे, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Thank you.